तो वेलकम एवरीवन। ये हमारा यूपीएससी सीएससी सीसेट का इनिशिएटिव है, डेली कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस, राइट। यूपीएससी के पीवाईक्यूज को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और वो रैशनैलिटी हम खोजने की कोशिश करते हैं जिसके बेसिस पे यूपीएससी अपने क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। अभी कॉम्प्रिहेंशन को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन, वो आपकी स्क्रीन पे सामने रख दिया जाएगा। पढ़िए, आराम से पढ़िए और उसके बाद मिलकर के क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी और फिर यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की के साथ इसे मैच भी किया जाएगा। मैंने आंसर की नहीं देखी है, ठीक है, तो ये एक म्यूचुअल प्रैक्टिस का सेशन है। पढ़िए जरा। ओके, देखिए, अरे अभी आपने देखा होगा कि इसमें कम से कम हमारे 2-3 मिनट पढ़ने में लगे। पढ़ा इसलिए मैंने, ठीक है, आराम से। मैं हमेशा सी सेट में जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है इसमें मिनिमम मिनिमम हमारे चीज़ें रॉन्ग हो इसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी में रखता हूँ, राइट। एंड द थिंग इज कि जितना आप ध्यान से पढ़ेंगे उतना कम बार आपको एक पैसेज पढ़ना पड़ेगा आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। ये हाईलाइट करने की टेक्निक, ठीक है, जो है ये आपको हेल्प करेगी रियल एग्जाम में भी। बिल्कुल ऐसे अगर आप हाईलाइट करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी वो आंसर तक पहुंचने में। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। ये हमने पिछले साल भी देखे थे कि एजम्पशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपको जो है इस, देखो कुछ चीज़ें होती है, जैसे ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से पहले की जो प्रीफेस है दैट इज योर एजम्पशन, इसके बाद की जो चीज़ें होगी वो होता है आपका मैसेज, समझ रहे हो। दैट मीन्स पैराग्राफ से पहले आप क्या अज्यूम कर रहे हो विच इज लीडिंग टू दिस पैराग्राफ का सब्सटेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि बाहर रोड, मैंने अगर एक बात कही कि बाहर रोड गीली दिखाई दे रही है, एजम्पशन इज कि रात को बारिश हुई होगी। मेरे सेंटेंस में ये बात लिखी नहीं गई थी बट एजम्पशन इज कि रात को बारिश हुई होगी। सो इनमें से कौन सी एजम्पशन बनाई जा सकती है? एजम्पशंस कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कंफाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। दूसरा कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज नॉट एडेप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। देखो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे कह रही है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन ऊपर देखो तभी मैंने ये कहा कि मच नॉट ऑल, यहाँ कहीं लिखा हुआ था कि मच ऑफ दिस चेंज
इज ब्रॉट अबाउट बाय एफ्लुएंट फार्मर्स इन इन वेस्ट एंड अमेरिका। दैट मीन्स जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, मच ऑफ दैट टेक्नोलॉजी इज हैपनिंग, दैट डेवलपमेंट इज हैपनिंग इन वेस्ट, नॉट द एंटायर। ठीक है, पूरा चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ मच ऑफ द चेंज। तो ये तो गया आपका ऑप्शन। दूसरा, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज नॉट एडेप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, यहाँ देखो बात की गई है कि एग्जिस्टिंग जो आप डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री हो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, टेक्नोलॉजी हमें एडेप्ट करनी पड़ेगी, हमें टेक्नोलॉजी के लिए एडेप्ट करना पड़ेगा, एंड नॉट जस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी बट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो। बट यहाँ ये नहीं कहा गया है कि जो एशिया या फिर अफ्रीका है वहाँ पे एडेप्टेशन नहीं हुई है, कि भैया वहाँ पे एडेप्टेशन नहीं हुई है, ऐसा नहीं लिखा गया है कि टेक्निक्स डेवलप्ड इन वेस्ट आर बीइंग एडेप्टेड। ये देखो, बीइंग एडेप्टेड इन सम प्लेसेस टू मेक ट्रॉपिकल क्रॉप्स मोर प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मोर प्रोडक्टिव, दैट मीन्स ट्रॉपिकल कंट्रीज मेनली डेवलपिंग वर्ल्ड आता है ना। यहाँ से भी आपका ये वाली जो एजम्पशन है ये भी आपकी जो है आप जो है इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड आंसर अकॉर्डिंग टू मी शुड बी डी, नाइदर वन नॉट टू। बाकी देखते हैं यूपीएससी का आंसर क्या होना चाहिए। अगली बात कि बेस्ड ऑन द एबव पैसेज अगेन एजम्पशन हैव बीन मेड। बहुत सारे लोग डरते हैं एजम्पशन वाले क्वेश्चन से, मुझे भी बहुत डर लगता है। अब देखते हैं कि क्या इसमें एजम्पशन वाला सही रहता है या नहीं हमारी एजम्पशन, कि पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स। नहीं, इसे तो आप सिंगल आउट है ना, एकदम से इसे रॉन्ग मार्क कर दो। वाई? क्योंकि भैया यहाँ ये लिखा हुआ है कि आपने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है ना। टेक्नोलॉजी इज ऑफ लिटल यूज इफ इट इज नॉट अडेप्टेड इन डेवलपिंग वर्ल्ड, इन डेवलपिंग वर्ल्ड दैट अप्लाइज एज मच टू एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स एज इट डज टू लेटेस्ट एडवांसेस इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन। दैट मीन्स कि भैया जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज अभी, एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो मॉडर्न हो, जो एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स पुअर कंट्रीज में चल रही है, इवन वो भी अडेप्ट आपको करनी चाहिए। तो पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स, नहीं, ऐसी बात तो नहीं लिखी हुई है कि स्पेसिफिकली पुअर, नहीं। अगली बात कि डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड। ठीक है, ये देखो, अगर यहां तक लिखा होता ना कि डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये आपकी सही हो जाती है। दे वेस्ट लेस फूड, ये अजम्पशन आप यहाँ से नहीं बना सकते, क्योंकि फूड वेस्टेज की ना यहाँ बात नहीं हुई है। ये देखो नीचे जो लिखा हुआ है कि टू अप्लाई एंड व्हेन वुड लीड टू ग्रेटली इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड ह्यूमैनिटी, सो वुड थिंग्स लाइक बेटर रोड्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज टू अलाउ द कैरीज ऑफ सरप्लेसेस एंड मार्केट्स एंड रिड्यूस वेस्टेज। ठीक है, तो ये जो रिड्यूस्ड वेस्टेज है ये कैसे आपकी रिड्यूस होगी, अगर आपके रोड्स वगैरह, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह बेटर होंगे, ये रिड्यूस जरूर होगी, बट दैट डज नॉट मीन कि भैया इसी से रिड्यूस होगी। ये अजम्पशन आप इलिसिट जनरलाइजेशन इसका नहीं कर सकते हैं कि अच्छे रोड होने से डेफिनेटली आपके क्या फूड वेस्टेज रिड्यूस होगी। नहीं, व्हाट इफ आप अपनी फूड है ना, अपनी थाली का एक बड़ा कंटेंट ऐसे ही बाहर फेंक देते हो, अगर आप अपनी हाफ ही थाली खाते हो, जो कि नॉर्मली आपके रिच क्लास में पाया भी जाता है ट्रेंड, एक ट्रेंड माना जाता है कि अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो तो आपको थोड़ा खाना वहाँ आप छोड़ देते हो ये दिखाने के लिए कि मैं रिच हूँ, राइट। ऐसे ही यही ट्रेंड आपके डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा भी पाया जाता है, और ये बात देखी गई है कि पर कैपिटा जो फूड वेस्टेज है वो नॉर्मली आपके डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा रहती है। तो उस हिसाब से है ना, ये एजम्पशन बना देना कि भैया ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की वजह से इनका फूड वेस्टेज कम है, आई डोंट थिंक कि ये भी एक सही ऑब्जर्वेशन होगी। सो नाइदर वन नॉट टू शुड बी द आंसर। देखते हैं यूपीएससी का क्या आंसर है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द एबव पैसेज फॉलोइंग एजम्पशंस, अगेन यार भाई कितना मारोगे, कि एजम्पशंस हैव बीन मेड, ग्रोइंग इनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशंस विल बी अ चैलेंज। ये तो बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है, यहाँ देखो यहीं पे ये बात लिखी हुई है कि भैया आपकी जमीन कम पड़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो ये तो बात सही है। अगला कि कॉर्पोरेट फार्मिंग इज अ वायबल ऑप्शन फॉर फूड सिक्योरिटी इन पुअर कंट्रीज। भाई कॉर्पोरेट फार्मिंग की तो बात हुई ही नहीं है ना, यहाँ कहीं बात हुई क्या पहले कि प्रोडक्टिव, उल्टा ये कॉर्पोरेट फार्मिंग आपकी फूड सिक्योरिटी को एंडेंजर कर देगी है ना। ऐसे जीएस का थोड़ा इसमें जरा सोच के डालो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पैसेज के अंदर अपनी नॉलेज डालनी चाहिए, नहीं, जस्ट स्टिक टू द पैसेज है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर नंबर वन तो कॉर्पोरेट फार्मिंग की यहाँ कहीं बात हुई नहीं है इसमें, नंबर दो कॉर्पोरेट फार्मिंग अगर करोगे तो वो इंटेंसिव फार्मिंग होती है,
और वो फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करेंगे, सो फूड सिक्योरिटी को लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा एंडेंजर करेंगे, सो ए शुड बी द आंसर। फिर अगेन ठीक है, यहाँ पे आगे मैथ्स आ गया, तो अभी चेक करते हैं ठीक है, छोटी वीडियो रखें, छोटी वीडियो रखते हैं डेली, सिर्फ चार पांच पांच क्वेश्चन, तीन चार चार क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस करें तो उससे भी बढ़िया हो जाएगा। चेक करते हैं जरा, 23rd क्वेश्चन का हमने लगाया ए, चेक करते हैं यूपीएससी का क्या आंसर है। 23rd, ये देखो 23rd का ए, थैंक गॉड 23rd का ए। 22nd का यूपीएससी ने ए दिया हुआ है, हमने डी लगाया था क्या, हमने डी लगाया था, 22nd का यूपीएससी ने ए दिया हुआ है। एजम्पशन हैव बीन मेड कि पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स, ओ यूपीएससी की ये एजम्पशन है, सो एजम्पशन, दिस एजम्पशन इज करेक्ट, हमने ये यहाँ पे गलत कर दिया था अज्यूम। सो यूपीएससी अज्यूम्स कि पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग कंट्री, सो नाउ अगर ऐसा लिखा होता कि ओनली पुअर कंट्रीज need to bring about change in their existing farming techniques, तब भी ये गलत हो जाती, लेकिन yes, we need to accept it कि this can be assumed. Again, यार ये ना बहुत interpretation based होता है, assumption वाला question, आदमी किस basis पे कैसे assume कर लेता है, तो वो चीज़ें depend करती है ना। और अब 21st में भी हमने D लगाया था, check करते हैं इसमें, 21st में D है, so हमारे अभी तक हमने जो 9 question practice किए हैं, आई थिंक 9 या 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, उसमें हमारे दो रॉन्ग हुए हैं, एक आज हमारा रॉन्ग हुआ 22nd क्वेश्चन, और एक कल हमारा रॉन्ग हुआ था, सॉरी फर्स्ट सेशन में हमारा रॉन्ग हुआ था, तो ये हमारी अभी रेशो चली हुई है, 4 या 5 से ज़्यादा रॉन्ग नहीं होने चाहिए ठीक है, अराउंड 22 से है ना 23 क्वेश्चन आपके जो है सही होने चाहिए, इससे ज़्यादा रॉन्ग नहीं होने चाहिए। तो थैंक यू सो मच, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सेशन कैसे जा रहे हैं, जनता कैसे इस चीज़ को परसीव करती है। अगेन वही बात कि मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि जो पैराग्राफ जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस के सिवाय उनको बेहतर कैसे किया जाए, तो अगर आपको किसी को कोई नया तरीका जो सुझा सकते हैं कि सी सेट के इस प्रैक्टिस सेशन को हम कैसे और बेटर कर सकते हैं, या फिर वो चीज़ें जैसे हमने यहाँ पे आंसर निकाला और आंसर ये हमारा रॉन्ग हो गया ठीक है, तो ये रॉन्ग क्यों हुआ, कोई अगर इस चीज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में है ना बता सके तो ये सबकी हेल्प होगी ठीक है, हमारी आपकी राइट, परसेप्शन मैटर्स, हो सकता है कहीं पे कोई बहुत ही स्ट्राइकिंग परसेप्शन कोई नीचे डाल दे, सो अपने अपने जो है ना, ऐसे नहीं कि मूक दर्शक बन करके बैठे रहें और प्रैक्टिस करें, नो, अपने अपने व्यूज जरूर देते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।